हेलो। सुशांत कमल, वो बताया था मुझे किसने, महेश सुरेन ने बताया था मुझे कि आपका मैगजीन है, उसमें द अचीवर करके एक सेगमेंट होता है आपका, और उसमें आप जो अचीवर्स हैं उनका इंटरव्यू करते हैं। मिला आपको? कोई उतना बड़ा मिल नहीं पा रहा जिसका इंटरव्यू मतलब हम छाप आप सकते। कार्तिक का इंटरव्यू क्यों नहीं करते? हूस कार्तिक? आप अभी जानते नहीं होंगे, लाइक उसने ऐसा काम कर दिया, मैं तो कमाल हो गया। व्हाट हैव यू डन? मैं आपकी कार्तिक से बात कर रहा हूँ। हेलो, हेलो। तो कार्तिक, व्हाट हैव यू डन एग्जैक्टली? आई'ल टेल यू सर, आई'ल टेल यू। अंबानी के बारे में तो जानते होगे आप। यस ऑफ कोर्स। इन 1980 अंबानी ने बैंक से लोन लेने के लिए अप्लाई किया था, एंड यू नो व्हाट, बैंक ने रिजेक्ट कर दिया था लोन। आज 2014 चल रहा है, अब वो इस बैंक को खरीदने की बात कर रहे हैं। सर ये देखिए। व्हाट अबाउट यू? मैं वही, अंबानी और मेरा मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मैं आपको बता दूँ ओके। सर। इन 2008 मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था बैंक से, मेरा लोन रिजेक्ट कर दिया था सर। आज 2014 चल रहा है, मैं हाँ फिर से लोन अप्लाई कर रहा हूँ, फिर से लोन अप्लाई कर रहा हूँ सर। मतलब इनके तो टंटे बहुत हैं, गारंटर चाहिए। मैंने कहा यार, मतलब 40,000 के लोन में क्या गारंटर चाहिए? इसमें सर टैलेंट का भी कॉलम होता है क्या? जैसे अचीवर तो हो ही गया मैं, टैलेंट क्या टैलेंट है तुझमें? सर मैं नाम सुन के बता देता हूँ, लड़का है लड़की? इनको यकीन नहीं आ रहा था मेरे पास आया। मैंने कहा तेरे को चेक करना है, मेरे से कहता है बता सरिता, मैंने कहा लड़की, मेरे से कहता है उमेश, मैंने कहा लड़का। सर मैं आवाज़ें भी निकाल लेता हूँ कई किस्म की सर, अंधेरी की आवाज़ निकाल लेता हूँ मैं, देखो अंधेरी की निकालूँ, एक सेकेंड, थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन सर हो जाता है। सारी मैगजीन को ना फर्स्ट कॉपी मेरे को भेज देना। अबे तेरी माँ का कवर करता हूँ माँ तक। हेलो, हाय सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, हु इज दिस? सर, इज दिस लिमिटेड? या इट सर इज। आई वांट टू अप्लाई सर फॉर अ जॉब। मे आई नो हु इज दिस एंड सर दिस इज निखिल, दिस इज निखिल। हु गिव यू माय नंबर? सर मिस्टर अनीश गेव मी योर नंबर, उन्होंने मेरे को, मिस्टर अनीश ने आपका नंबर दिया था। सो ओके सर ओके। आई सो वांट टू अप्लाई फॉर अ जॉब सर। फॉर व्हिच पोजीशन डू यू वांट टू अप्लाई? सर आई एम ए प्रोग्रामर, आई एम ए प्रोग्रामर। कि आपको हमारी कंपनी की वेबसाइट पर जाकर यू हैव टू अप्लाई देयर, यू हैव टू अप्लाई आई'ल ऑनलाइन डू फॉर दैट देम। सर, आई'ल डू दैट। मैं वेबसाइट पे भी अप्लाई कर दूंगा, बट सर मुझे लग रहा था कि एज अ मतलब आई एम ए प्रोग्रामर, अगर इस वक्त हाँ कुछ हो हाँ आप या मुझे अपना रिज्यूमे भेज आई'ल डू दीजिएगा। दैट सर, आई'ल डू दैट, आई'ल डू और दैट। अभी तक किस तरीके के प्रोग्राम बनाए हैं सर थोड़ा रात ही एक सा बनाया मुझे? प्रोग्राम, मेरे 6 लड़के हैं, 6 दोस्त हैं, हम बोर हो रहे थे तो रात मैंने प्रोग्राम बनाया। मैंने कहा चलो भाई चाय पीने चलते हैं। इससे आप पहले सर, प्रो इससे पहले मैंने 6 महीने पहले एक प्रोग्राम बनाया था मैक्लॉडगंज का, तो मेरे मम्मी पापा भी कह रहे थे भाई इस छुट्टियों में क्या करें। मैंने कहा मैं प्रोग्राम मैं बनाता हूँ, मैक्लॉडगंज का बनाया मैंने। सर आप कहें तो अभी मैं बना के दिखा दूँ प्रोग्राम। आज शाम को क्या कर रहे हो सर? राजेंद्र चिकन वाला ना, यहाँ पे बीकाजी कॉम्प्लेक्स चले चिकन खा के आओ किस दिन। ओहो, कमाल है सर। ये तो नवरात्रि चल रहे हैं, वरना मैं आपको ले चलता। आप वेजिटेरियन हो? मेरे पास वेजिटेरियन के लिए भी प्रोग्राम है एक सर, ये है यहाँ पे ओखला फेस 1 में ना एक ढाबा है सर, क्या वेजिटेरियन देते हैं सर। तो सर मैं आपको ये बता रहा था, आप द प्रोग्राम सर, वाई आर यू गेटिंग एंग्री? सर वाई आर यू शाउटिंग? आई मीन चुप सर, आप समझ नहीं रहे, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका अरे चुप चुप, भड़क कर रहा है मेरे। हेलो, कुड आई स्पीक टू मिस्टर जग्गी? हाँ मिस्टर जग्गी से बात कर सकता हूँ कौन बोल रहा है? सर? मिस्टर जग्गी से बात हो जाएगी? और बोल कौन रहा है? सर मैं से विनोद बोल रहा हूँ, आपकी कंप्लेंट मिली। एक घंटा पहले मैं कॉल की था, तू फोन कॉल कर रहे? मैंने माँ ही तेरे के लाल कर देनी है। मैं सर मेरी बात सुनेंगे आप ये तो यार, तू मेरी गाल सुन, पैकेज लेके मैं इसके अंदर अपने सिर मार रहा रिमोट ले यार, की पंगा किए तेरे नाल, तू मैंने कल दस है। नहीं मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप खामा खा नाराज हो रहे हैं, हमारे एंड से तो कोई गलती है? तो इतना तेरी टांग और बात छड़ नहीं मैंने। मिस्टर जग्गी आप मेरे को अगर आराम से बताएंगे आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको चैनल्स नहीं दिखाए? यार जब मैं पैकेज लेता थी, मैं ओदे च सिलेक्ट योर लैंग्वेज से पंजाबी सिलेक्ट की, ठीक है? हाँ जी, ते फिर हुन HBO स्टार मूवीज BBC है पंजाबी से आंदे नहीं पे इत्थे। HBO स्टार मूवीज ते BBC पंजाबी च? तो एक भी नहीं आंदा पंजाबी च यार, मैं एक घंटा हो गया रिमोट नाल सिर मार दे मैनू। सर आपके हैंड से कोई प्रॉब्लम है? हमारे हैंड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हैंड किथों आ गया विच, कितने प्रॉब्लम है? सर मैं एक सेकंड, आप होल्ड करिए मैं चेक करता हूँ सर, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड मैं चेक करता हूँ। हाँ कर कर चेक, वो पंजाबी वाला लगाना। मैं देख रहा हूँ सर। So what's this all about, though? Yeah, man, why'd you drag us halfway around the world? Because we got a job. Oh, God. They already
स्टार मूवीज का सामने वाली बिल्डिंग से छोटा जिया बच्चा लटक रहे। मैनू पूरा यकीन है स्पाइडरमैन एनु बचान जरूर आएगा। स्पाइडरमैन तुसी किथे हो? हनी बहन जी मैं इत्थे हां। स्पाइडरमैन धरती ते गुनाह इन्ना वधिया जा रहा है वधे जा रहे। देखो छोटा जिया बच्चा दीवार तो लटक रहा है। स्पाइडरमैन जाल बिछाओ एनु बचा लो। स्पाइडरमैन एनु बचा लो। HBO येरा रोज मैं तेरी पेंटिंग बनाना चाहता यार। पेंटिंग ते तू बहुत सोनी बना ही लेगा पर मैं चाहती हूँ टाइटैनिक तो उतर के भी ऐसी जिंदगी पर साथ रहिए। जैक चल देखते चलिए ते बीबीसी बीबीसी न्यूज ते हो तुसी। मैं हाँ तुहाडे नाल जेनिफर ते हुन आपां बात करांगे ग्लोबल वार्मिंग नु मद्देनजर रखते हुए साडा अज दा पैनल बैठे हुए हुन असीं तुहानू लेके चलांगे अर्जेंटीना दे साडे स्टूडियो दे विच जिथे बैठे ने डॉक्टर वॉसलो। हांजी थैंक यू जी। सब तो पहला मैं धन्यवाद करदा सब दा और जिधर दिक्कत साड़ी ग्लोबल वार्मिंग दी गल हैगी आ सर देखिए तीनों पंजाबी में सारे पंजाबी में आ रहे हैं। हमने तो यहाँ से रिले कर रखा है। ये आप देखिए किस आप खाना खा चिल्ला रहे थे। अब टीवी दी प्रॉब्लम है। ओए गुरिंदर इतना मार फोड़े तो टीवी नु की लागे दिसता है। हेलो कुसुम दीदी राकेश बोल रहा हूँ। कौन राकेश बोल रहा? पहचानी ना तुम ना। ये तुम्हारी नंद जो है नंद हाँ? इनकी जब तुमसे बात हुई है नंद से तो हाँ? मैं वहाँ को था। अच्छा मैं उस वक्त तुमसे बात ना कर पाया लेकिन मुझे इतनी बुरी बातें लग रही थी नंद की तुम्हारी। और मैं सही बात बता रहा हूँ कोई मुंह देखी की बात नहीं है। मैंने जितनी बातें मुझे लगी तुम्हारी ठीक लगी। मैं तो सुनो सच बताऊँ मैं तो एक बच्चे भी मिल ली नहीं ना तो मिलने की जरूरत क्या इनसे जब ये ऐसे काम कर रहे हैं। तो मैं तो यूं दब गई। बस मैंने यूं सोचा कि मैं क्या कम से बात बढ़ती चली जाएगी। आदमी की जिंदगी में तो वैसी बतेरी परेशानियां लग जाए। थोड़ी मेरी एक परेशानी हो तो बतावे आदमी। अब वो मुझे दबाई शुरू से उन्होंने मुझे यूं ही किया कितना बर्दाश्त करती है। मैं उस दिन था वहाँ पे तुम देख ना पाई मुझे। मेरी बात सुनो। हाँ अरे देखो शरीफों का तो यही जमाना रह गया। वो मुझ पे चिल्लाती रही सारी उम्र। अब जब तक दवा वही है जो मेरी औलाद के सामने ऐसी ऐसी बातें करी है उन्होंने ऐसी ऐसी मेरे घुटनों ने जवाब दे दिए। हाँ। अब मैं डॉक्टर को दिखाऊं अब इन्हें बताऊं तो इनके ये वही नहीं अरे बाहर को जाके बेच दे यार। प्याज है 12 रुपए किलो। बात कर रहे हैं फोन पे गली में ठेला लगा रखा बाहर जाके बेच ले। मैंने जब तुम्हारी नंद से बात करी मैंने कहा प्याज बेच रहा 12 रुपए किलो प्याज ही बेच रहा। मैंने नंद से ये कहा मैंने कहा कि यहाँ से अरे दफा हो जाए यहाँ से। प्याज है 12 रुपए किलो। प्याज वाले को जरा हमारी नंद से तुम्हारी ये बात थी। मैंने तो ये कहा कि भैया अरे चला जा यहाँ से अबे झूठा मार दूंगा बात कर रहा है। हमारी सास से बात करी मैंने कहा दीदी परेशान कैसी हैं। प्याज वाले को तो मैं जब ये बोला कि भैया अरे भैया चला जा यहाँ से 12 रुपए किलो प्याज मारूंगा थप्पड़ से बात हो रही है हमारी निकल जा। मैंने जब ये कहा बहू से मैंने ये कहा मैंने कहा देखो जो नंद की बात हो वो तो अलग ही हो। अरे सुनते ही नहीं हो तुम। हाँ क्या कहो हो? ये 12 रुपए किलो प्याज बेच रहा है इसे रोक लो। मैंने उनसे ये कहा कि भैया जब भी है सुनता ही ना तू। हाँ क्या कहो? ये सर रोक ले जो 12 रुपए किलो प्याज बेच रहा है इसे चला जा यहाँ से कहीं और जाके बेच। नहीं थक गया प्याज है 12 रुपए किलो प्याज है 12 रुपए किलो दीदी से बात कर रहा हूँ चिल्लाए जा कान पे। सही दीदी मैंने बात मुझसे लड़ाई की ये रोक ले जो 12 रुपए किलो प्याज बेच रहा इसे रोक। दीदी अरे इसे तो रोक ले। दीदी रोक तो लूंगा क्या क्या करो हो फिर लूंगी प्याज आग लग रही है प्याज के दाम में। तू यही बात करे जान ने खून चूस लिया ये वाली बात। हेलो अशोक जी। हाँ जी अशोक जी आप प्रॉपर्टी डीलर हैं ना? हाँ जी हाँ जी। ये फ्लैट्स आप फ्लैट्स बेचते हैं आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसमें आप सेल परचेज दोनों करते हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। छोटे फ्लैट्स भी देते हैं ना आप? छोटे फ्लैट्स भी आप देते हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बड़े भी हैं आपके पास फ्लैट्स? हाँ जी हाँ जी वो भी हैं बिल्कुल। किराए पे भी देते हैं ना आप? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी हाँ जी। तो सर आप जैसी लोगों के लिए हमारा बैंक का क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहा है जिसमें परसेंटेज बहुत कम है जिसमें इंटरेस्ट बहुत कम है। सर अगर आप टाइम दें तो हमारा एग्जीक्यूटिव आपके पास आके 2 घंटे में बात कर ले। हेलो सर।
हेलो पंकज जी, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग पंकज जी, मैं रेस्टोरेंट से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी बोलिए सर। थैंक यू सो मच फॉर आपने विजिट किया सर। सर हाउ वाज एक्सपीरियंस, हाउ वाज द फूड? वेरी नाइस, वेरी गुड, बट थोड़ा सर सर्विस थी ना थोड़ी स्लो है आपकी, मतलब आप बेटर कर सकते हैं। थोड़ा खाना ठंडा हो गया था, मैंने फिर रीइट करवाया। आई एग्री सर, आई एग्री, नेक्स्ट टाइम इस चीज का ख्याल रखेंगे सर, एंड कीप कमिंग सर प्लीज। हाँ जी, बट आई एम सो सॉरी सर। नहीं नहीं, सॉरी की क्या बात है इसमें, वो तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं ना। सर्विस के लिए नहीं सर, सर्विस के लिए नहीं बोल रहा। यू रिमेम्बर सर, आपने खाना खाने के बाद पैक भी करा लिया, घर ले गए थे आप। हाँ जी, बटर चिकन की करी बची हुई थी। सॉरी मतलब इसमें सॉरी की क्या बात है? आई टेल यू सर, वो कभी कभी गलती हो जाती है सर। हुआ क्या था, आपने कहा इसको पैक कर दो घर ले जाना। एक कस्टमर और थे आपके ब्राउन रोल टेबल पे, उन्होंने भी कहा था हमारा पैक कर दो घर ले जाना, तो सर उनका वाला आपके पास चला गया। मुझे अचानक से ख्याल भी आया, क्योंकि उनकी करी ना थोड़ी अजीब सी थी, क्योंकि उनका एक बच्चा था बड़ा, वो पूरे नाखून उसमें डुबे हुए करी में, तो बदतमीजी से खा रहा था। तो मैंने अभी इसको झाड़ लगाई है अपने जो हमारे शेफ के बराबर में रहता है, मैंने कहा सर को वाली करी क्यों दे दी? क्या मतलब? मतलब सर आपने आपने खा लिया वो जो आप लेके आए थे बचा हुआ? अरे क्या खा लिया, किसी का भी खाना पैक कर दिया तूने? अरे क्या सॉरी, मैंने अपनी वाइफ को यार सब बच्चों को खिला दिया। क्या क्या नाम है तेरे रेस्टोरेंट का बहन? शुरू में ही बोला था मैंने, था हद होती है यार किसी चीज की। तुम्हारा खाना ठंडा कुछ नहीं बोले, ये तो यार तुमने हद ही कर दी। अरे मैं ले ले मेरे, आई एम सो सॉरी सर, मेरी बात सुनी, देखिए इतने गुस्सा करना ठीक नहीं है सर। तू हट, मजाक नहीं मेरे नथने से, मजाक नहीं मेरे नाके छेद। कुछ ऐसा नहीं हुआ है, शांति, कोई तरी बरी उनकी नहीं गई, आपकी तरी आपके पास ही हम मुर्गा बना रहे थे जो आप बन चुके हैं। लेकिन सर इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, इससे अच्छा तो सर कोई नहीं सर, मुझे मालूम आपसे बोला भी नहीं जाएगा सर। गुड मॉर्निंग, मिर्ची सुनते रहिए, बाय। हेलो, मैं लाभांशी बोल रही हूँ। मैंने कल ही आपका मैट्रिमोनियल में एड देखा था। हाँ जी, हाँ जी, बस क्या कल ही फर्स्ट बनाया था। हाँ तो बस मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ। बताओ। ठीक है फिर कल मिलते हैं। ठीक है, वैसे कल मेरा ऑफिस है बट ठीक है, चलेगा, मैसेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हेलो, हाय, इज दैट हरीश? हाँ जी। आई जस्ट सॉ योर प्रोफाइल ऑन मैट्रिमोनियल। मैं राधिका बात कर रही हूँ, और आपकी प्रोफाइल काफी इम्प्रेसिव थी। थोड़ा अभी एक दो दिन पहले ना बनाई, तो ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। ओ देन लेट्स कैच अप, मैं आपको अपना नंबर भेज देती हूँ और हम मिले, मिलके हम एक दूसरे को जान भी लेंगे। जब एनी टाइम, एनी टाइम, एनी वेयर। ओके, थैंक यू हरीश, नाइस टॉकिंग टू यू। या सेम हियर, ओके बाय। हेलो, हाय, हाय, हरीश बोल रहा हूँ। हाय हरीश, दिस इज अलीशा। आपका हेड देखा था मैट्रिमोनियल में, आई थिंक यू लुक रियली गुड। हाँ बस मैंने ना एक दो दिन पहले ही बनाया था, कमाल है, मतलब बढ़िया इंटीग्रेशन है इनका ना, रिस्पॉन्स रेट बड़ा अच्छा है। सो कैन वी लाइक कैच अप मीट? हाँ बिल्कुल, आप मुझे जब भी है। हरीश, कैन वी लाइक कैच अप टुमारो प्लीज? या श्योर, नो प्रॉब्लम। हेलो, हाय, इज दैट हरीश? हाँ जी। एक्चुअली आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट, अभी आपका मैट्रिमोनियल पे वो मैंने एड देखा था। हरीश, दिस इज रितिका। हेलो, इज दैट हरीश? हाँ जी। हरीश जोगुनी, अभी आपका प्रोफाइल देखा मैंने मैट्रिमोनियल पे। थोड़ा जल्दी बात करेंगे प्लीज। अच्छा। एक बात करने दो ना, पीछे लाइन में आ जाओ ना, लाइन में आप लाइन में लगो। अरे मैं भी तो हूँ, आप पीछे जाओ, जल्दी बात कर लीजिए ना। मैं यहाँ पे, मैं बहुत देर, नहीं बहुत देर से क्या आ रही हो? नहीं ये कोई बात नहीं है, लाइन में उधर लगो पीछे, मेरी बात करने दो। हरीश, आपका प्रोफाइल देखा बहुत अच्छा है। हरीश अभी किसी से बात तो नहीं हुई आपकी? मैं जुगनी, लाइन क्या लगा के गई हूँ अपना। हरीश आप नहीं चिल्ला क्यों रही हो बहन? मैंने पहले नंबर लगाया, लंबर लगा। हेलो लाइन में, आप इधर आइए। नहीं मुझे क्यों? हेलो हरीश, हरीश, हरीश पीछे को हट जा, दांत तोड़ दूंगी, पहले मैंने फोन किया है। हेलो हरीश, हरीश आप हटिए। हेलो हरीश, 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 हरीश तू मेरा भाई नहीं है, मुझसे करियो इधर। अरे भाई नहीं सौरभ, ये नीचे 7,500 लड़कियाँ जमकर ना लगाएं, इन पे लाठी चार्ज हो जाएगा, हटाइए इनको। हरीश बात सुन, मर जाऊंगी मैं, तू तू सही, पीछे को बैठ के, पीछे को नंबर लगा के आओ। मुझे बात करनी है हरीश, मैंने
बात की थी। सुनो, अरे उससे बात करो, मेरा चुम्मा ले ले पहले। आप लाइन तोड़ के आई हैं आगे। हाँ, जब मेरे बच्चे देख नीचे गिर दब गए। लेके जाइए बच्चों को। मेरे बच्चे दब रहे नीचे पैरों में। बच्चे को लेकर हरीश से बात कर रहे हैं आप। हरीश प्लीज मेरे से बात कर लीजिए। हरीश विजय बोल रहा हूँ, आपका भी प्रोफाइल देगा, मेरे को भी अच्छा लगा भाई। हरीश भाई हमें भी प्रोफाइल अच्छा लगा। मतलब आप लेडीज लाइन में जाइए, आप लेडीज लाइन में जाइए। हरीश भाई, हरीश भाई, हरीश भाई, आप उनको जानते हो, चंदो सिंह के वैभव जी को, उनका रिश्तेदार हूँ मैं, हमारी बहन है। हटाइए आप, हटाइए बेशरम कहीं के। हरीश, 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 देखा कितना अच्छा रिस्पांस मिलता है हमारी तरफ से शादी करने के लिए। नवेद बोल रहा हूँ हरीश रेडियो मिर्ची से। अरे मेरे बात सुनो, मेरी बात सुनो। नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, मुर्गा बना रहे थे हम तुम्हारा। हरीश आई लव यू। अरे मी टू। हेलो महेश जी, गुड इवनिंग, फोन सेल्युलर से बोल रहा हूँ। सर मेरे को सबसे पहले तो आपसे क्षमा मांगनी है, आपका मेल मिला था, बड़े गुस्से में थे आप। मुझे बताएंगे क्या परेशानी है सर? बहुत सारी परेशानी है, तो मैसेज भेजो, मैसेज नहीं पहुंचता है। हाँ, रोमिंग तो रोमिंग लगती नहीं है सर। रोमिंग का जहाँ तक आपने पूछा है, रोमिंग के चक्कर में पड़ेंगे तो उसकी पीछे पूरी एक कहानी है सर रोमिंग की। और बताइए सर, किसी को मैसेज भेजता हूँ, मैसेज नहीं पहुँचता है। सर मैं आपको मैसेज के बारे में बता देता, मैं आपको सही बता रहा हूँ। मैसेज के बारे में, जब मैसेज पहुँचता ही नहीं, वही आपकी परेशानी समझ रहा हूँ। लेकिन सर अगर आप मैसेज के चक्कर में, मैं आपको अभी बताना शुरू करूंगा, पूरी कहानी है सर उसके पीछे। मुझे और बताएं और क्या परेशानी है। बाहर जाता हूँ काम से तो रोमिंग ही नहीं आती है, कोई कॉल ही नहीं आती है काम से। तो पूरी कहानी है सर उसके पीछे। अबे तो कहानी है तो क्या कहानी, कहानी बताया जा रहा, कहानी को बता कम से कम। सर बताता हूँ आपको, सर एक राजा होता है, उसकी दो बेटियाँ होती है, एक बेटी को जादू आता था, एक बेटी को जादू नहीं आता था। जिसको जादू आता था, एक दिन परी बन के ना आसमान में चली जाती है, जादू की छड़ी उसके हाथ में लगती है, तो उसकी छोटी वाली बेटी बड़ी परेशान हो जाती है। हेलो सर, उसके बाद वो राजा जो है वो अपनी प्रजा को लेके दोनों बेटियों को बचाने आगे निकल जाता है। कहानी अभी अधूरी हुई है। वो बोल रहा है, हेलो सर, कहानी का अंत कुछ इस तरह होता है, जैसे तीन परियां एक साथ मिल जाती है, दूसरी परी वाली उससे कहती है कि बहन तू अगर वहां पे गई तो मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। अच्छा, यहां पे राजा परेशान होता है। थैंक यू। हेलो, हाय, इज दैट सुशील? Yeah, who's this? Hi, Sushil. This is Aditi. How are you? Okay, Sushil, let me just tell you, I'm Veronica's colleague here in where she works. And let me tell you ki aapne Veronica ki profile check ki thi on the matrimonial site. Yeah, I checked her profile, yeah. Yeah, so, and I believe you really liked her, right? Yeah. Okay. And somebody in our office told us that you'd called on the weekend, but nobody was there in the office. So we thought we'll call you back today. Oh, thank you for that. I mean, she's a little busy right now. So, you can like talk to me. So what do you do exactly? Actually, I'm an event organizer. You heard about NH1 and the Sunburn kind of festivals? Actually, do that thing. Of course. All right. Yeah. Ah, how lovely is that? Sushil, that's great. But let me just tell you that Veronica is not a very huge fan of EDM and stuff. She's more into rock and, Beatle and things like that. But I'm sure that's what they say, opposites attract. So I think that's wonderful. But Aditi, may I ask you, Veronica is a hair care specialist, no? Yes. She is a hair care specialist, and let me tell you that she is the most wonderful hair care specialist in the city right now. Oh, that's great. Okay. Achhi baat hai yaar, agar hamari dono ki baat banti rahe, she'll take care of my hair pretty well. Absolutely, very well, and I can assure you that. So she'll just wait a sec. Why don't you just talk to her only? I think you guys should talk. Yeah, sure. She's just busy with the client, so I will just hold on for 5 seconds. Yeah, for sure. Thank you so much, and lovely talking to you, and I really hope that you guys make it. Same here, thank you. So she'll just hold on, huh? I'll just give her the call. Yeah, Veronica? Yeah. Veronica? Someone's on the line. Hello, Sushil. हेलो सुशील, जरा थमारे खोल मारिंग की जो है देख रही हूँ मैं, जरा ये क्लाइंट आई, इनसे मैंने कही थी मुल्तान की मट्टी लगा, मुल्तानी मट्टी लगा लो, बिल्कुल ना लगाई इन्होंने, इधर को आई हो बहन जी, नीचे को सर करो, ये पूरी ना मोटी हो रही हैं जो है, तुमसे कही थी ना मुल्तानी मट्टी लगाया करो, चिल्ला को आंखो और रुको तो सही, इतनी मोटी, ओ भगवान देखो कितनी मोटी है, चटक देनी से मरा है। वेरोनिका थोड़ा आराम से, अब आराम से करवा भाई, जब बढ़ रही थी खुशकी हो रही पूरी, जब ना देखी बालों में। बहन जी इनका सुन लिया, कमलेश की दीदी का क्या? कमलेश की दीदी के पति का चक्कर चल रहा कहीं। किसे? ये कमलेश ना है,
बराबर वाले टल्ले पे जो बैठे हैं, इनको इनके भी बताइए जो है, मैंने इनकी भी देखी है, रविवार को आवे थे, एतवार को जो है देखने। हेलो सुशील था हमारे, बस जो है खत्म हो रही, करूँ तो उससे बात। वेरोनिका उसका क्या हुआ गुप्ता जी का? कौन से गुप्ता जी? जो अपने सीवन वाले। हिलो मत, ये पूरी निकल के भाग गई, देखो दूसरे कान की तरफ हो गई है। हाँ क्या पूछ रही है? रुक जाओ एक सेकंड, में सही से बैठ जाऊँ, साड़ी उठा गई तो नीचे को बैठा इतना ज्यादा पटरा कहाँ है। हाँ अब लाओ, अब क्या पूछ रही थी? हिलो मत, ये जो भाग जा गुप्ता जी, ये टक्कल। हाँ, 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 इनका क्या बताऊँ, इनकी बन थोड़ी रही है, इनकी बहू की, इनकी बहू की बनी नहीं रही, सास ने जीना मुश्किल कर रखा, गंजे फिर भी जो दिखे। मैंने कहा मेरे क्लाइंट बन जाओ, कह रहे हैं मैं वहां से दिखवाऊं, अपनी बीवी से मैंने दिखवा ले, तो दिखवा भाई, बातें करने में तो मजा आवे जो हो। हाँ सुशील तुम्हारे लास्ट क्लाइंट थे, तुझसे ही कर रही हूँ बात, एक सेकेंड। हाँ अच्छा अच्छा, उठो जाओ अब तुम, और जा सुनो, मुल्तानी मिट्टी में सांडे का तेल मिला के 3 दिन सूरज में अपनी टांट दिखाइयो, उसके बाद ये नहीं होती है, जुए भी नहीं होती है किस तरह की, ठीक है मैं बात कर लूँ। सुशील हमारे मोहल्ले में पूरे मोहल्ले की जुएं देख चुकी हूँ मैं, एक भगवती थी, भगवती की इतनी जुएं हो रही थी, ऐसा लगा था जुएं सर लेके चल रही है साथ में, मैं सब निकाल के उधेड़ के फेंक दी, मैंने कहा मर जाओ कम वक्त मारियो, मैं उससे यही कहूँ मेरा बिजनेस स्टैंड अप हो गया, मुझे शादी कर लेनी चाहिए, तो ये तो तुम्हारे ले, ये तो भाग गया। अरे कहाँ को भाग गया, नवेद बोल रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ, अब क्या होगा। हेलो, ये मिसेस बबीता। हाँ जी बबीता जी, मैं पंकज मीडिया स्टूडियो से बोल रहा हूँ। ये तो है नहीं अभी घर पे। नहीं बबीता जी, मैं आपसे ही बात करना चाह रहा था, आप भूल गए आपकी शादी में हमने वीडियो बनाया था शादी का। हाँ जी क्यों? अभी बबीता जी मैं वीडियो दोबारा देख रहा था विदाई के टाइम पे, आपकी शादी का जब आपकी विदाई हुई है ना। हाँ बबीता जी उस टाइम पे तो कोई भी नहीं रोया है, अभी मैं जब देखा है वो बाबुल की दुआएं, कोई नहीं रोया है, आपके मम्मी पापा। बबीता जी मैंने अभी आपकी शादी का जो कैसेट है सीडी, हाँ उसको मैंने रीमिक्स किया है और गाने नए डाले हैं, और क्योंकि कोई नहीं रोया था मैंने अभी क्या किया है, अभी सारे गानों पे हमारी पूरी टीम ने रीवर्क किया है। अच्छा ये आएंगे तो उनको दिखा दो। नहीं आप पहले सुन लो, लाइक ये वाला गाना। आज दिन लाइक दिस सॉन्ग हिट द चार्ट इन माय टीम इज गोना क्राई ऑन इट। Like this song got 3 million views on YouTube. And I'm telling you, ये वाला जब देखा है ना तो गाने से तो पैसे वसूल हो गए, पूरी फिल्म देखी तो like this man. Like this one. Shut up! Shut up! Did I play the song? Sorry. One of the peppy. Pink clips. मगर ये वाले गाने को हम पिछले 7 महीने से रीमिक्स करना जा रहे हैं, इस पे टीम रोती नहीं है, इस पे टीम हंसती है। बबीता जी, बबीता जी रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप ऐसी हंसती रहे यार हमेशा खुश रहे, अरे रोने तो ना क्या भाड़ में यार। थैंक यू सो मच बबीता जी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू बाय। मुर्गा बना रहे थे आपको हम, थैंक यू। हेलो अनुज, कौन बोल रहा है?
बेटे अनुज कहाँ पे है, हनीमून एंड ऑल? कौन बोल रहा है? हेलो अनुज, बेटे मैं आपके पापा का दोस्त हुआ करता था और अभी तो हमें मिले हुए बहुत टाइम हो गया है, आप भूल गए हो शायद। बचपन में आप मेरे को अंकल तिवारी कहते थे और मैं आपके ऐसे चीक्स पकड़ता था, अल्ले 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 अल्ले, ये मोटे मोटे चीक्स होते थे आपके, इतना मजे करते थे। बेटे मैं आपके पापा का दोस्त हूँ, अब तो 10-12 साल हो गए मिले हुए। और बेटे कहाँ पे हो बेटा आप? अंकल मैं हनीमून पे आया हूँ, शिमला में हूँ अभी तो। शिमला में है? हाँ। तो बेटे शिमला में तो मैं भी हूँ। तो बेटे कैसे शिमला कैसे? अंकल बस वही अभी डिसाइड हुआ था कि हनीमून पे शिमला ही जाएं, तो बस लेके आए ही हूँ। अच्छा शादी हो गई है? हाँ अंकल, तभी तो हनीमून हो गया ना मतलब अब। तो बेटे शिमला आया हुआ है, शिमला में तो मैं भी हूँ। कहाँ पे है शिमला में? एक होटल है उसी में रुका हुआ हूँ। मैं भी शिमला में हूँ, वापसी मेरे को बिजनेस के काम की वजह से शिमला रुकना पड़ गया है। मैंने कहा अभी 3 दिन मैं शिमला रुकूंगा, फिर मैं सोच रहा था यार कि कहाँ यहाँ पे मैं होटल देखूँ, अब जान पहचान हो ना हो, रिश्तेदार कोई है नहीं। मैंने कहा हमारा बच्चा है वो है अनुज हनीमून पे। तो बेटा 3 रात की बात है, 3 रात में मैं यहाँ से वेंसडे को निकल जाऊंगा। और मैंने कहा भी, मैंने अपने दोस्तों से कहा, मैंने कहा अनुज है, मेरे को बचपन में तिवारी अंकल कहता था, उसको पता चल गया ना, अपने ही रूम में रखेगा, मेरे को कहीं जाने भी नहीं देगा। अंकल लेकिन मैं हनीमून पे आया हुआ हूँ ना एक्चुअली, तो बस ये अब। तो मैंने कहा वही रुकेगा 3 दिन, मैं वेंसडे को निकल रहा हूँ, अब सुबह मेरे को उठाना। तो अंकल एक्चुअली प्रॉब्लम ये भी है कि मैंने जो रूम बुक कराया वो साला रूम ही इतना छोटा है, तीसरे की जगह नहीं, तीसरे क्या हमारा सामान ही नहीं आ रहा है, तो कैसे आप एडजस्ट? क्या बेटा छोटा कहाँ है? क्या मतलब? मेरे को तो सही लग रहा है रूम, ये तू बता रहा है कम से कम 12x14 का रूम है ये, एक्स्ट्रा बेड तो देते हैं, मैंने रिसेप्शन पे पूछा है। अंकल आप एग्जैक्टली हो कहाँ? मैं तेरे रूम में हूँ, मैंने रिसेप्शन पे पूछा, मैंने कहा अनुज कहाँ है? कह रहे अभी अपनी वाइफ को लेके निकले माल रोड घूमने, बाहर है होटल में नहीं है। फिर मैंने आईडी प्रूफ दिखाया, मैंने कहा मेरे दोस्त का बच्चा है, 12 साल पहले मिले थे, चीक्स खींचते थे उसके, ले 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 ले। फिर उन्होंने आईडी प्रूफ रखा है, उन्होंने फिर चाबी दी है तेरे रूम की। आप मेरे रूम के अंदर है? हाँ वैसे बेटे एक बात बताऊँ, बुरा बहुत बनता है, जब बचपन की तेरी हालत थी ना, कपड़े उल्टे सीधे, रजाई उधर पड़ी हुई है, इधर पड़ी, अब ये देख रजाई, इसको ठीक कर दो, इसकी तो तय भी। ओ अंकल हेलो अंकल, रजाई मत छूना यार, अब रजाई को हाथ मत लगाना, छोड़ो रजाई छोड़ो अभी, ये देखो तकिया सीधा नहीं रखा, अंकल तकिया को हाथ मत लगाया नीचे, छोड़ो अंकल तकिया हाथ मत लगा, उठाना मत उसे। क्या हो गया बेटे? अरे मैं कह रहा हूँ ना आपसे, उधर बेड की तरफ मत देखो यार, आप उधर उधर मुंह करो, दूसरी तरफ मुंह करो, खिड़की साइड देखो यार आप। ये ड्रॉर खुली हुई है बेटा, ड्रॉर को मैं छू लियो तू, ओए ड्रॉर नीचे रख, हाथ हाथ हटा, सारा सामान ऐसे छोड़ यार, क्या कर रहा है बेटा? चिल्ला क्यों रहा है यार मेरी बात? तुम बाहर जा रहे हो, तिवारी अंकल का बच्चा साला, तू चिल्ला क्यों रहा है बेटे? मेरे को तो यार टॉयलेट भी, टॉयलेट को टॉयलेट मत जाइयो, मैं कह रहा हूँ बेटे मैं तिवारी अंकल बेटे। अरे माँ की तिवारी अंकल की? बेटा पापा का दोस्त। अरे मरा गया तेरे पापा यार, मैं हनीमून पे आया अंदर घुस गया, तुम इतने तो बुड्ढे। बेटे मैं आपसे एक यार मिनट, कपड़े रखने हैं, मैं रख देता हूँ ना कपड़े इसमें। अबे बुड्ढे समझ नहीं आ रहा तुझे, छोड़ रहा हूँ दूर, मेरे बेड से दूर हट, मेरे बेड से दूर हट, पीछे आ जा। एक बात बता, उधर वो नीले रंग का पैकेट पड़ा है, नहीं पड़ा उधर देख? हाँ बेटे पड़ा है, क्यों? अरे तेरी वाले, निकल वहां से, बाहर निकल, तुझे चाबी किसने दी है बताओ? एक्सक्यूज मी सर, यस, अगर आपको रूम सर्विस की जरूरत हो तो 222 डायल कर देना। ओके आई विल कॉल यू। इसको बुलाओ, उसको रोक रोक रोक, उसे बुला, पीछे ना इसे बुला, वापस वापस बुला उसे, आपको बुला दे। यस सर। अरे ये जो बुड्ढा खड़ा है, इसे मेरे रूम की चाबी किसने दे दी है? सेना इस बुड्ढे को फौरन निकालो रूम 212 से, वरना आग लगा दो तुम्हारे होटल में, केस छोड़ दूंगा सालों। सर ये रूम नंबर 212 में नहीं है, ये रूम नंबर 213 में है। अच्छा आनंद, हाँ मैं ये सोचता था कि मेरे दोस्त का बच्चा अनुज मखीजा, अनुज मखीजा, मखीजा साहब का लड़का है। अरे यार अंकल, अनुज दत्ता हूँ मैं। आप 212 में हो क्या? हाँ मैं 212 में हूँ। मैं 213 में हूँ, यहाँ पे मेरा भी एक वो आया हुआ है दोस्त का बच्चा, 213 में, अनुज नाम है उसका। मैं सोच रहा था मैं कहाँ हनीमून, मतलब मैं कहाँ रात गुजारूँ, तीन, इसलिए फोन कर दिया मैंने। अरे अंकल वहीं से रुक जाओ आप, ठीक है, 12x14 कमरा है वो, बहुत बड़ा रूम है, सारी फैसिलिटीज है भाई,
टॉयलेट तो आया वो बड़ी देर लग रहा था आपको। बेटे कितना चलाक है तू, और तेरे से ज्यादा चलाक तेरी बीवी है जिससे तेरी शादी हुई है, उसने सारी इन्फॉर्मेशन दिया मेरे को कि इसका मुर्गा बनाओ, और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आज मेरे को पता चला इंसान कितना कमीना हो सकता है, दूसरे के रूम में हनुमान की ऐसी तसी करा ले और अपने मुझे चलो हाँ ठीक है यार ठीक है। हेलो जस्ट होल्ड ऑन प्लीज, गिव हिम 100 ml फ्रॉम द टॉप नीडल once again baba hello just hold on hi Abhi, I'm Dr. Joshi. Hi. No Jazzy, once again Jazzy calm down last one उसको कॉटन साफ करके निडल आना। हेलो डॉक्टर जोशी। या अपनी मैं आपको ये बताना चाह रहा था, सौरभ आपके हस्बैंड भी आए थे, आई एम अ वेटरनरी डॉक्टर एंड आपके पास पेट है डॉग है जी ब्रूनो राइट ब्रूनो ही वाज वरीड, आपके हस्बैंड मुझसे बात कर रहे थे बैठे हुए क्लिनिक में, तो आपका नंबर भी दिया था, तो मैंने कहा था मैं पर्सनली आपसे बात कर लेता हूँ। यू नो अपनी आई नो ब्रूनो आपसे तो घुला मिला है, लेकिन सौरभ की प्रॉब्लम है, वो कह भी रहा था कि उससे घुला मिला नहीं है। मैंने कितनी बार सौरभ को कहा कि प्लीज वो छोटा बच्चा है, मगर सौरभ को समझ ही में नहीं आता। नहीं, मेरे को एक्सपीरियंस 15 साल का है, मैंने बहुत सारे पेट्स देखे हैं, ये एक नेचर होता है पेट्स का, यू नो किसी से घुल मिल जाता है किसी से नहीं घुल मिलता, अगर वो काट फाट लेगा यू नो ना रेबीज एंड ऑल जब मेरी सौरभ से बात हुई थी उसने बताया, मैं आपको बताता हूँ जो पेट्स घर में ज्यादा रहते हैं आई डोंट थिंक सो आप उसको ज्यादा बाहर ले जाते हो। एक्चुअली ही इज जस्ट अ लिटिल बेबी, आई डोंट वांट हिम टू बाहर, बहुत ही कम ले जाती हूँ, एंड अगर लेके भी जाती हूँ तो मैं उसको अपनी गोदी में रखती हूँ। 2 इंजेक्शन अभी वैक्सीनेशन और इंट्रोड्यूस हुआ है, तो मैंने बोला सौरभ को कि अगर ये 2 इंजेक्शन लग जाए यू नो और बाय चांस What happened? कितना पेनफुल होगा मेरी बेबी के लिए, कल को कुछ हो जाए, सौरभ भी थोड़ा सा वरिड है। मैंने सौरभ को कितनी बार बोला है, हमेशा जब भी उसको डांटते रहते तो वो काटेगा नहीं क्या फिर उसे? As a doctor, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ थोड़ा अच्छा, सा doctor, आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो 2 इंजेक्शन हैं वो मतलब किस I'll tell you 2 इंजेक्शन जो अब नया वैक्सीनेशन है इसमें निडल थोड़ा सा मोटा होता है। डॉक्टर कितना? आई थिंक जो नॉर्मल आप निडल देखते हैं उससे थिकनेस में उसका अगर आपको बताऊं तो मोटाई में मेरे ख्याल से उसके जस्ट डबल से थोड़ा सा ज्यादा है। थोड़ा पेनफुल होता है इसलिए क्योंकि जब मेडिसिन वेन में अंदर जाती है तो थोड़ा सा बहुत ऐसा लगता है कि बहुत तकलीफ हो रही है। क्या डॉक्टर? आई थिंक वो समझदार है, वो यू नो लग कहां समझदार है डॉक्टर, छोटा सा बेबी है ब्रूनो। नहीं, आप गलत समझ रही हैं, आई नो वो छोटा सा बेबी है लेकिन सौरभ तो बड़ा है, मैं सौरभ को लगवाने के लिए बोल रहा हूँ इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, निडल होती है थोड़ी मोटी और वेन में जब होती भी जाती है दवाई नसों में तो थोड़ा पेन होता है 2.5-3 घंटे के लिए, तो अगर मैं सौरभ से कह रहा था तुम लगवा लोगे तो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर काटता भी है तो, बट सौरभ मेरे को बोल रहा था डॉक्टर तकलीफ होगी बहुत ज्यादा यू नो पेन। डॉक्टर क्या तकलीफ होगी, बचपन में भी तो लगे हुए हैं ना उसको इंजेक्शन, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार लग रहा है। बट सौरभ थोड़ा उसमें यू नो घबरा रहा है, डोंट नो व्हाई। नो डॉक्टर सौरभ लगवा रहा है इंजेक्शन, मैं बोल रही हूँ ना इट्स फाइनल, वो लगवाएगा इंजेक्शन। कब आना है डॉक्टर? आई थिंक मेरे ख्याल से कल आ जाइए आप। परफेक्ट, दूसरा ऑप्शन ये है कि ब्रूनो के आप लगवा लो इंजेक्शन इसमें यू नो। डॉक्टर मैंने कह दिया है ना कि सौरभ को ही लग रहा है इंजेक्शन। ओके देन कम। ओके डॉक्टर थैंक यू सो मच, आई विल सी यू टुमारो। ऑलराइट। नवीद से रहा भी नहीं जा रहा और गाना के मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कुत्ता प्यार करते सनम डी नी 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 नी। हेलो हाय हाय इज दैट जूही? या हु इज दिस? अपने बारे में तो बताऊंगा, आई जस्ट वांटेड टू नो आपसे किसी ने कहा है कि आप खूबसूरत हैं? सॉरी आप कौन बोल रहे हैं? नहीं मैं अपने बारे में आपको बता दूंगा बट टेल मी ना आप जिन लोगों के आसपास बैठती हैं वो कहते तो होंगे कि आप खूबसूरत हैं, यू आर ब्यूटीफुल।
सॉरी बट आप कौन बोल रहे हैं? आप कहां मैं बताऊंगा अपने बारे में जी, मैं अपने बारे में बताऊंगा, बट टेल मी ना, आपसे कहते हैं लोग वो कि आप खूबसूरत हैं? नहीं ऐसा तो किसी ने नहीं कहा, मतलब कहते नहीं है लोग, बट किसी ने तो कहा होगा आप खूबसूरत हैं? नहीं कहा तो नहीं है वैसे किसी ने, टेल मी ना, सच सच बताइए, किसी ने नहीं कहा कि आप खूबसूरत हैं? नहीं वैसे अभी तक तो किसी ने नहीं कहा। चलिए शुक्र है कि कम से कम सच्चे लोगों के तो पास बैठती हैं आप। आई मीन इतनी सच्चाई कहाँ मिलती है आजकल के ज़माने में। कहीं ना कहीं आदमी झूठ बोल ही देता है, बट आई एम हैप्पी कि सच्चे लोगों के साथ हैं आप। चलिए मैं रखता हूँ फोन, में बाद में बात करूंगा। ओ ओ एक सेकंड, कुत्ते के बच्चे कहाँ जा रहे हैं फोन रख के? अगर फोन किया ना फिर से तो टांगे तोड़ूंगी मैं तेरी, समझ में आया? खून से भरे लेटर लिखे हैं मेरे पास लोगों ने, ठीक है? ज्यादा जानना है ना तो अपनी माँ से जाके पूछ ले कि वो खूबसूरत है कि नहीं है, समझ में आया? मैं हेलो, मैं मिर्ची से नवेद बोल, यार ये तो भागे। हेलो विनेश्वर जी, मैं थोड़ा आपके बेटे हर्ष को लेके कुछ बात करना चाह रहा था। आप कौन बोल रहे हैं? विपिन आहूजा बोल रहा हूँ, रोमित मेरा बेटा है, रोमित और हर्ष आपका बेटा हर्ष, ये दोनों अच्छे दोस्त हैं मैं, लेकिन कई दिनों से इन दोनों की ऐसी हरकतें देख रहा हूँ। मैंने रोमित को बुलाया, मैंने कहा चल क्या रहा है भाई ये बता, आप यकीन करना ऐसा दाएं बाएं हो गया, कुछ बताया नहीं इसने। मुझे लगता है कि शायद वो किसी गलत नहीं गलत कामों में है, मैं आपको बता रहा हूँ ये दोनों गलत कामों में हैं। मैं बनेश्वर जी आपको बताता हूँ, अभी इसकी मम्मी आई मेरे पास रोमित की, कहने लगी देखो जेब में से क्या निकला, सिगरेट का पैकेट रखा हुआ था नवाब। है कि ये आवारागर्दी में ज्यादा अपना वक्त बिता रहा है कि इस लड़के ने मेरे जेब से 2,000 रुपए निकाल लिए और मैं इसकी टांगे तोड़ देता अगर इसकी माँ बीच में नहीं आती। ये देखिए ना सारी बात छोड़िए, इससे बड़ी क्या बात होगी, उस दिन से माथा पकड़ के बैठा हुआ हूँ, पास एक पेपर इसकी जेब से निकला है, दिल्ली में कोई क्लब है, ये स्लिप है इसकी, ये गए नहीं है वहाँ पे, दो पर्चियां हैं, इसमें लिखा हुआ है दिल्ली का बेस्ट क्लब है जहाँ पे वही लड़का लड़की आके सारे डांस करते हैं, पीना पिलाना होता है, और ये देखो क्लब वालों की चलाकियां, 400 रुपए सिर्फ एंट्री रखी है जिसमें सारे पीने पिलाने का इंतजाम अंदर फ्री है बिल्कुल, इसमें लिखा हुआ है यू हैव टू पे ओनली 400 रुपीज, और सारी चीजें वो कवर कर रहे हैं उसमें, बूस्ट दे रहे हैं आपको, पीना पिलाना दे रहे हैं, कैब फ्री, आना फ्री, जाना फ्री, सिर्फ 400 रुपए में आदमी भड़के नहीं, फिर बच्चा बिगड़े नहीं, क्या होगा हो फिरा इनका? आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आने दीजिए साले को रात को घर में, इसकी टांगे तोड़ दूंगा मैं। अजय जी वो आपने बताया था कि आपके बेटे के जेब से कुछ पर्चे निकली, वो ये पर्चे निकले हैं दिल्ली बेस्ट क्लब लिखा हुआ है। हाँ जी वो कितना एंट्री फीस बताई थी? 400 रुपए लिख रखी है इसमें। और इन 400 रुपए में क्या क्या दे रहे हैं? चला गया, बूस्ट फ्री है सारा, पीना पिलाना फ्री है, क्या फैसिलिटी है सारा है। वैसे दयाल जी देखा जाए तो इनकी स्कीम क्लब की बुरी नहीं है, मतलब 400 रुपए स्कीम बिल्कुल अच्छी लग रही है। सैटरडे क्या करते हैं आप? शाम को तो मैं फ्री हो जाता हूँ। 400 और 400 800 रुपए बनते हैं, बुरे नहीं है, बात कर लीजिए, लेकिन एक शर्त है मेरी। क्या शर्त है आपकी? पार्टी मेरी तरफ से होगी, मैं ऐसे नहीं यार, लेकिन हम वहाँ से 1 बजे तक निकल लेंगे बस, ये है। अरे जब हम जा ही रहे हैं तो फिर 1 और 2 है, जैसा माहौल होगा देख लेंगे। Hello. Is that Trisha? Yeah, hi, who's this? I believe Dhruv must have spoken to you about me. Yes, he definitely did. Rather, I met him last week, sir. Yeah. And I believe you want to start your own business, right? Yes, sir. I've been thinking about it since a very, very long time now. That's great. And it should be like this. Aise hi hona chahiye. Could you please, Trisha, could you please tell me, what do you think about entrepreneurship? So there are a lot of people who right now want to become entrepreneurs. I mean your voice is not clear. Your voice is not clear. Yeah, please. Can you hear me now? Yeah, sir? Yeah, I can. Yeah, so a lot of people aspire to be entrepreneurs. It's been 3 years. I'm sorry, there is some problem. Can you just say no? Some words are clear. Once again, can you just say aap bolenge roti boliye? Just say roti. I'm mujhe kuch words clear nahi hai. Just say roti. Roti. Teri maa moti. Can you just say pencil please, pencil teri shaadi cancel. Can you please say aloo, just say aloo. Aloo. Tera mera ghosa chaloo. My god. can you just say chakli please bilkul yeah. Chakli teri mummy takli. Just say patta chal mere ghode kolkata. Ha 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 ha
सर और भी कुछ बाकी है सर, और भी बोल दीजिए, बहुत मजा आ रहा है मुझे. कैन यू से जस्ट बोलेंगे आप बोलिए ट्री ट्री ये ले एक थप्पड़ फ्री. ये वाला भी तो बेस्ट था. बहुत स्ट्रेसफुल डे चल रहा था सुबह से, लेकिन आपने दिन बना दिया सर, दिन बना दिया आपने मेरा. जैसे हुरगा, एक बार बोलिए हुरगा. हुरगा नवेदन बना दिया तेरा मुर्गा. बहुत खुश हो गई मैं मुर्गा बन गई सर, थैंक यू सो मच. हेलो. हाय. हाय अनुषा, आई एम सॉरी. सॉरी, हु इज दिस? अनुषा, आई नो व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट, इट वाज नॉट गुड. लाइक जस्ट बिकॉज ऑफ अस आपकी और कार्तिक की लड़ाई हुई क्लब में, एंड मैं कार्तिक का फ्रेंड हूँ, एंड आई यू नो आई टोल्ड हिम दैट यार तू अकेला चला जा. एक सेकंड, लिसन. हेलो. यस. हूसोएवर यू आर, आई रियली डोंट केयर, पर कार्तिक को खुद भी और आपको भी इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर मैं उससे इतने टाइम बाद मिली तो आपको उसके साथ नहीं आना चाहिए. आई ट्रस्ट मी, हमने उसको बोला था, यू नो मैंने उसको. या तो आपको खुद समझ नहीं आता है, जब वहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ तो आपने देख लिया, चलो ठीक है आप आ गए, आप में इतनी समझ नहीं है कि आप साइड हट जाते जब मैं उससे मिल रही थी. वी वॉन्टेड टू गो बट कार्तिक बोलने लगा नहीं यार वो तुम अलग बैठ जाना थोड़ी देर के बाद, वहाँ अंधेरा इतना था, यू नो. नहीं, एक सेकेंड, आप मेरी बात सुनिए. उसको चलो ठीक है, उसको समझ नहीं है, आप में इतनी समझ नहीं कि आप खुद साइड हट जाते, बैठे रहे वहीं पे. नहीं, यू वर क्राइंग, आप रो भी रहे थे. हाँ, तो मैं जब रो रही थी तो तब साइड हट जाते, तब भी वहीं पे बैठे रहे. नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगा ना, मेरे को अच्छा नहीं लगा वो आपके आंसू भी अच्छा पोंछ रहा था. अच्छा नहीं लगा तो फिर हटिए. नहीं, वो आपके आंसू पोंछ रहा था कार्तिक, यू नो प्रॉब्लम है वो. नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, मैंने देखा रुमाल से आंसू पोंछ रहा है वो आपके. नहीं, तो आपको उसमें भी प्रॉब्लम है, जब वो पोंछ रहे आंसू तब हट जाते. नहीं, फूल्स बैठे रहे वहीं पे. आई एम नॉट सेइंग यार, मैंने उसको मना किया था, ठीक नहीं लग रहा था वो आपका रुमाल, वो रुमाल से आंसू पोंछ रहा था, ठीक नहीं लग रहा था. रुमाल से आंसू ना पोंछे वो, उसने क्योंकि यार अनुषा उसने मेरा रुमाल लिया था, उसके पास नहीं था उस टाइम पे, मेरा रुमाल लिया अनुषा, मैं उसको मना कर रहा था मेरा रुमाल मत ले, आपके आंसू पोंछ रहा है, पूरे चेहरे पे आंसू है, और मैं उससे मना कर रहा था. मुझे बहुत तेज जुकाम हो रखा है, इतना तेज जुकाम है मेरे को दो दिन से. मैंने उसको बोला भी, मैंने इशारा भी किया, रुमाल को दबा के तो देख ले, कम से कम अंदाजा ही हो जाता. मैं आपको सही बताऊं, रुमाल मैंने ही कैसे रखा होता, मेरे को पता, मेरी जेब भारी हो रही थी. लेकिन मोहब्बत मैं भी समझ सकता हूं भाई, मोहब्बत है, लड़की के आंसू नहीं देखे जाते गर्लफ्रेंड के, उसने सारा खोल के भी पोंछे थे क्या? उसको पता था कि आपको जुकाम है? उसको मेरे को नहीं मालूम, मैंने तो छीके मारी है 5-6, मैं जब आप क्लब में अंदर आए मैं छीक ही रहा था बार बार. आर यू देयर? फोन रख बहन, मेरी बात तो सुनो. मैं फोन रख बहन, ट्राई टू अंडरस्टैंड ना. मैं फोन रख बहन, फोन रख. मैं नहीं रख रहा. तो मैं रख रही हूँ बहन. हेलो, क्या कर रहा है भाई? कौन बोल रहा है? अरे बता देंगे यार, क्या कर क्या रहा है अभी? मैं कुछ भी कर रहा हूँ, पर तुम बोल कौन रहे हो? यार बता दूंगा मैं, अपनेपन वाली बिल्कुल बात ही खत्म कर दी. मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ जनरली, क्या कर रहा है अभी? कुछ नहीं भाई, कुछ भी नहीं कर रहा, घर पे हूँ, कुछ नहीं कर रहा. घर पे है? हाँ. चल ठीक है भाई, बस यही पूछ रहा था मैं. हेलो हेलो हेलो, सुन. हेलो. हाँ जी. हाँ. अरे बताता हूँ, वो पूछ क्यों रहा था. कुछ नहीं, बस मतलब ऐसे ही तेरा पता चला तो मुझे इत्मीनान हो गया, मैं ही बेरोजगार नहीं हूँ, मैं भी घर पे बैठा हूँ भाई. मतलब अब तो यार, मतलब मैं पक गया हूँ, मतलब अब थोड़ी खुशी हुई है कि है कोई अपना भाई है. काम तो है नहीं, कुत्ते फोन कर रहा है तू, जाते सकल के दांत दांत निकाल रहा है ऊपर से, पहले दिमाग खराब. कुछ काम तो यहाँ है नहीं करने के लिए. फोन करके कहते हैं क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, रेडियो मिर्ची से. ऐसी मुर्गा बना रहा था मैं तुम्हारा. यार ये किसी ने बताया था मुझे कि आप पिछले 2 महीने से खाली हैं, घर पे बैठे, काम वाम कर लो कुछ. कुछ काम ही बता दो सर. अच्छा काम है, मैं काम ढूंढता हूँ, रिज्यूमे भेजो तुम मेरे पास, रिज्यूमे भेजो. हाँ ठीक है, मैं आपको भेजता. हेलो सर, नमस्कार, से बोल रहा हूँ, जोक सुनाऊं सर? जोक सर से बोल रहा हूँ, जोक सुनाऊं सर, चुटकुला जोक. जोक सर, ये हमारी स्पेशल सर्विस है सर, डेटा क्यों खत्म करते हैं, आप सर्च करते हैं जोक तब जाके आपको हंसी आती है सर, हमारी स्पेशल सर्विस हुई है जिसमें हम कॉल कर करके जोक सुना रहे हैं सर. जोक सुनाऊं सर? देखिए ऐसे मैं आपको बताता हूँ, आपकी आपको हंसी आएगी बहुत सर. एक ऐसी लड़की है जो 1 मिनट में बात मान लेती है, वो है आपकी माँ सर. सर एक ऐसी लड़की है जो 3 मिनट में बात आपकी मान लेती है, वो है आपकी बहन सर.
और सर एक ऐसी लड़की है जो 5 मिनट में आपकी बात मान लेती है, वो है आपकी बेटी। अच्छा, लेकिन सर अगर वो आपके कहने पर बार बार बोलने पर कुछ भी ना समझे तो? बीवी है सर, बहरी है वो, बहरी, वो सुन नहीं पा रही है, हर बात में बीवियों को बदनाम मत करा करिए, समझ गए आप? धन्यवाद सर, से कॉल फिर करूंगा, कल एक जोक सुनाऊंगा सर। अच्छा भैया, हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ जी, मैं रतन बोल रहे हैं जी। कौन बोल रहा है? रतन जी। हाँ जी रतन जी, मुबारक। किस गलती वीर जी? ओ रतन जी, बजट में काजू सस्ते हो गए। ओ रतन जी, रतन जी मुबारक, बजट में काजू सस्ते हो गए। काजू सस्ते हो गए? सर काजू सस्ते हो गए, मुबारक। मैं की करा काजू सस्ते हो गए? जेड़े मैं इन्हें रोज मेट्रो से पैसे खर्च कर देना, वो तो सस्ते हुए नहीं हले। काजू सस्ते हो गए, काजू तो मैं की करा? मैं मेट्रो में जाता हूँ, इतने पैसे खर्च करता हूँ, वहाँ धक्के खा के जाता हूँ, वो सस्ता नहीं हुआ, क्या करूं मैं बताओ? हो तो सर कल से काजू खाते हुए जाना मेट्रो में। चले फोन बजा के मेरे दोस्त ने देखो, देखो बड़े लोगों को परेशान कर रहे हो, फोन का फोन है ये। हे भगवान, ओ मैं आ गया जी, फोन काट देता है। सुनिए नहीं गल, मैं नवेद बोल रहा सी रेडियो मिर्ची तो। ओके जी बाय। हेलो, नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से? आपके दोस्त संजय इस वक्त मेरे सामने बैठे हैं, 25 लाख रुपए जीत चुके हैं, 50 लाख के सवाल के लिए आपकी मदद मांग रहे हैं, आपको मिलेंगे सिर्फ 62 सेकंड इस सवाल का जवाब देने के लिए। अगली आवाज संजय जी की, आपका समय शुरू होता है अब। मुकेश, एक आम आदमी की एज भारत में इनमें से क्या होती है? ऑप्शन ए 24, बी 52, सी 62 या फिर डी 75। मैं दोबारा बता रहा हूँ मुकेश, एक आम आदमी की एज भारत में क्या होती है? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 52, सी 62 या फिर डी 75। मुकेश भैया, मैं मुकेश नहीं बोल रहा भाई। मुकेश नहीं बोल रहे? नहीं। तो बीच में कहाँ से आ गया तू? एक अब ये 62 सेकंड खत्म हो रहे मेरे। आपने फोन गलत मिलाया भाई। मैं फोन मिला रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, मेरी जान निकल रही, कर फोन गलत मिला फोन। अम्मी जी से पूछे ना, मतलब फोन कितने नहीं तो मेरे नंबर को ये कर, नंबर है ये रॉन्ग नंबर है तो उठाए जो तूने। मुझे मतलब तुम्हारा नंबर है, तुम मुकेश की बात कर रहे हो, खुद फोन कर रहे हो, मुझे कह रहे हो बीच में क्यों आ गया फिर तू? नेशनल टेलीविजन पे आप गाली गलौज क्यों कर रहे हैं? मैं कुछ, उसने मेरे को बोला पहले कि बदतमीजी से बात करो, यहाँ टाइम खत्म हो रहा है, आप बात करिए। फोन आप मिला रहे हो फिर गलत कह रहे हो। अरे देखिए, ऐसा है कि अगर आप नंबर मिल ही गया तो जवाब दे दीजिए आप। एक आम आदमी की एज इनमें से कितनी होती है? ऑप्शन ए 44, बी 52, सी 62, डी 75। सी 62। पक्का? मुझे लग रहा सी 62। पक्का? नहीं पक्का नहीं लग रहा, यही है सर। सी 62 को लॉक कर दीजिए। अफसोस संजय जी, ये गलत जवाब है। ये गलत है, ये 25 लाख गुल। हेलो, एक बार नहीं तो तुझे लगा तो एक बार बता, फोन नंबर गलत लगा तो पहली बात उठाया क्यों तूने? अबे तो साले तुझे फोन मिला, मेरे फोन मिला गलती तेरे वहां केबीसी से, तो इसमें केस कर दो। क्या मेरी गलती है? नहीं तो तेरी गलती नहीं है तो किसकी गलती है? बेकार की बातें कर रहा है। अमन नमस्कार, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूं, और अगली आवाज जो थी वो भी मेरी थी, पिछली आवाज जो थी वो भी मेरी थी, और आप रेडियो मिर्ची पे मुर्गा बन गए हैं। मैंने कई लोगों को कोशिश करी लेकिन मदद आपने करनी चाहिए, हालांकि गलत करी लेकिन किसी की मदद करी। हेलो दो भाई की सारे डॉन क्रॉसिंग डॉन को। चेतन जी। हाँ जी चेतन जी, मैं केमिस्ट से बोल रहा हूँ। हाँ जी, एक बात बताइए, क्या गलती हो गई हमसे ऐसी? क्या हुआ? आप कल आए थे, उस वक्त भीड़ भीड़ भी थी, मेरे छोटू ने भी कहा कि चेतन जी आए थे यहाँ पे और बिना कुछ ले चले गए, कोई नाराजगी हो गई। हमें तो एक भी ग्राहक अगर वापस जाता है, एक भी हमारा कस्टमर वापस जाता है, हमें टेंशन हो जाती है। आप हमारे हमारे केमिस्ट पे आए हो तो पता नहीं क्या नाराजगी हुई, आप वापस चले गए, 5 मिनट खड़े हो गए। कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही टहलते टहलते आ गया। तो सर आपको कहीं और से कुछ लेना, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन हमारा एक भी कस्टमर जाता है, मैं तो ये कहता हूँ कस्टमर सबसे बड़ा है यार। चेतन जी आप 5 मिनट वहाँ पे खड़े हो, मेरे को छोटे ने आपका ही नंबर दिया कि यार ये आते हैं, कल पता नहीं आए और कुछ लेके नहीं गए, कोई नाराजगी हो गई सर? तो बस कुछ नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ चाहिए था सर? हाँ सर, वो कॉन्डम के लिए आए थे। कितने कॉन्डम लेने थे?
सर दो पीस चाहिए थे सर, थोड़ा वो मैं बोल नहीं पाया। कमाल है, एक सेकंड रुकिए आप। चेतन जी आप मयूर विहार पॉकेट में रहते हो ना आप? जी जी जी। तो आप बोल देते, मैं आप बोल देता हूँ छोटू को। छोटू चेतन जी के दो कंडम दो पीस मयूर विहार पॉकेट, चेतन जी के दो पीस कंडम पॉकेट मयूर विहार सेक्टर। शाली जी नोट कराओ। भाई साहब चेतन जी के दो पीस कॉन्डम। हेलो भाई साहब, चेतन जी का दो पीस कॉन्डम ले लो। ओए हेलो। हाँ जी, केमिस्ट में कितने लोग हैं, सबने नोट कर लिया? चेतन जी के दो पीस कॉन्डम मयूर विहार पॉकेट। एक सेकंड चेतन जी, मैं जरा ये लाउड स्पीकर निकालू। ओए हेलो। हेलो, चेतन जी के दो पीस कॉन्डम मयूर विहार पॉकेट। चेतन जी के दो पीस कॉन्डम मयूर विहार पॉकेट। अरे मीडिया में बताया किसी ने? नमस्कार, सूत्रों के मुताबिक चेतन जी के दो पीस कॉन्डम मयूर विहार पॉकेट। ऊपर भी अनाउंस करो भाई। या दिस इज डेल्टा 2 अल्फा कॉपी, चेतन जी के दो पीस कॉन्डम मयूर विहार पॉकेट ओवर। चुप कर लो, अपने चेतन जी की मार लो। हाँ जी, केमिस्ट में कितने लोग हैं, सबने नोट कर लिया? चेतन जी के दो पीस कॉन्डम मयूर विहार पॉकेट। चुप कर। अरे सर मैं केमिस्ट से नहीं, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ, आप शादीशुदा इंसान हैं और किसी ने मुझे आपका नंबर दिया, ये मेरी समझ में नहीं आता। प्रिकॉशंस है तो प्रिकॉशंस हैं, आप शर्माते क्यों हैं? कोई गुनाह थोड़ी कर रहे हैं कॉन्डम खरीदने में, क्यों शर्मा रहे हैं आप? वैसे कौन बोल रहे हैं आप? मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। हाँ जी सर, आप रेडियो पे हैं? हाँ अभी हम रेडियो पे हैं। सर एक शेर सुनाऊं? सुनाओ। के साकेत फ्लैक्स सिटी मॉल में गया, वहां मेरी गर्लफ्रेंड खड़ी थी सोनिया, मैं उससे बात करने लग गया, उसके भाइयों ने बजा दी मेरे में कोनिया। हेलो, इज दैट मिस्टर सुधांशु? यस स्पीकिंग। मिस्टर सुधांशु डोंट माइंड, आई एम कॉलिंग फ्रॉम वेदर डिपार्टमेंट, डोंट माइंड, बट हमें एक बात बताइए, इंसान होने के नाते आपको ये पता है कि आप क्या कर रहे हैं? आप बोल कौन रहे हैं? देखिए ये जरूरी नहीं है मैं बोल कौन रहा हूँ, मैं बोल क्या रहा हूँ ये जरूरी है। नहीं, आप आपको बताना तो होगा। मैं बिल्कुल बताऊंगा, मैं बिल्कुल बताऊंगा। मैं वेदर डिपार्ट नंबर कैसे मिला? मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ। और एंड लिसन, देखिए आप चिल्ला के बात नहीं करेंगे, जो बात है मैं यहाँ वेदर डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। आप एक छोटी मोटी कंपनी चलाते हैं, आपकी अपनी खुद की कंपनी है, आपके एम्प्लॉई हैं। तो आपके एम्प्लॉई, दो एम्प्लॉई ऐसे हैं जिन्होंने हमें मेल लिखा कि ये आदमी जो है आपके बॉस, मतलब आपके लिए, कि आप इनको इतनी गर्मी दिल्ली में, आप खुद सोचिए इतनी गर्मी दिल्ली में हो रही है, आप क्यों नहीं एक दिन का ऑफ देते हैं जिस दिन ज्यादा गर्मी है? तो गर्मी क्या हमारे लिए नहीं? नहीं देखिए, मेरे लिए भी गर्मी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। आप इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि गर्मी कितनी है ना, लेबर लॉ के खिलाफ अगर आप जाएंगे तो कल को फिर मैं आपको एहसास ये बिल्कुल लेबर लॉ के खिलाफ नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए नहीं, आप मुझे बताइए 43, 44, 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया 7 दिन पहले, आपने छुट्टी नहीं दी उस दिन, एक एम्प्लॉय आपसे कह रहा है छुट्टी दे दो। तो छुट्टी ऐसे थोड़ी ना मिल जाती है, हम भी तो सारा काम कर रहे हैं। देखिए आपका काम करना, आप अगर वो बीमार पड़ गए गर्मी में, उनको डिहाइड्रेशन हो गया, तो मैं ये नहीं कह सकता आप भी तो काम कर रहे थे। एसी है, हम क्या पेड़ के नीचे थोड़ी। चलिए मैं उसको भी भूल जाता हूँ, मैं टेम्परेचर को भी भूल जाता हूँ, ह्यूमिडिटी देखिए आप दिल्ली में किस कदर ह्यूमिडिटी थी, आपने उस दिन भी छुट्टी नहीं दी, इतनी गर्मी में भी छुट्टी नहीं दे रहे आप। तो हम थोड़ी ना कह रहे हैं यहाँ ऐसे काम करो, हमने वो खुद हमारे पास आते हैं, खुद काम करते हैं, हमने थोड़ी ना कहा। सर ऐसे है, सर ऐसे है, आप मेरे को मत पढ़ाइए। वेदर डिपार्टमेंट का काम ये आपको इन्फॉर्म करना कि कितनी गर्मी पड़ रही है, ठीक है? अब आपके समय आप काम नहीं कर रहे हो? मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं काम नहीं करूंगा, आज तो हद हो गई है गर्मी की। ऐसा क्या हो गया, आज भी उतनी है जितनी दो दिन पहले? अरे आज नहीं है यार, आपको आप वेदर डिपार्टमेंट में हो, मैं वेदर डिपार्टमेंट में हूँ, जितनी आज गर्मी है। क्या ऐसा क्या हो गया, आपने क्या देख लिया जो आप बोल रहे हो आज इतनी गर्मी है? दादा टैटे मत करिए, मैं आपको कॉल नहीं करता, आज हद हो गई, आज मैंने खुद देखा है, दो खंभे एक कुत्ते के चक्कर में लड़ रहे थे, अपनी आंखों से देखा है, दो खंभों में लड़ाई हो गई, एक कुत्ता था, दो खंभे पे आपस में। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा है और आपको एहसास दिलाना चाह रहा है कि इससे ज्यादा गर्मी नहीं हो सकती, जब दो खंबे कुत्ते के चक्कर में लड़ रहे हैं, आपने कभी जिंदगी ये तो गर्मी की याद हो गई।
हेलो सरस्वती जी नमस्कार। नमस्कार, कौन? सरस्वती जी मैं उदम भैया का भाई बोल रहा हूँ, मीडिएटर जो थे। कैसी रही मीटिंग, आप लड़की देखा है? मीटिंग तो अच्छी रही, लड़की भी अच्छी थी। ये देखिए सरस्वती जी, ये ऊपर वाले की बात होती है, वरना कहाँ का मीडिएटर, कहाँ के लोग, मतलब जब रिश्ते बनाए होते हैं ना ऊपर वालों ने, सरस्वती जी मैं समझता हूँ उसको कोई तोड़ नहीं सकता। फिर बेटा बात तो यही है, लड़की ठीक थी, घर वाले भी ठीक थे। घर ठीक, तो कितने बजे गए थे आप कल? तो शाम में गए थे। शाम में? हाँ। तो मीटिंग अच्छी रही, लड़की, लड़की के पापा मम्मी, हाँ, उनकी सबसे मिल लिया? हाँ, सब फैमिली अच्छी है, घर अच्छा है बेटा। इसके पापा भी बहुत खुश हैं, देख के आए हैं, पसंद किया। हाँ, नहीं मेरे को भी, मैं बताऊँ सरस्वती जी, जब मैं वहाँ पे गया था ना, मैंने देखी लड़की, मैंने कहा यार ये बिल्कुल ठीक है, सरस्वती जी को बता दो अपने लड़के के लिए। देखिए बस ऊपर वाले की कृपा है सबके, मतलब जहाँ जहाँ लिखे होते हैं। और बेटा खातिर वातिर भी उन्होंने नहीं, देखिए खातिर का तो ये, आप तो फिर भी चलो रिश्तेदार उनके हो जाओगे। आप ये सोचो ना, मैं मीडिएटर गया था पहली बार उनके यहाँ। हाँ। मैं मीडिएटर गया था, मेरी इतनी खातिर करी, मैंने कहा यार कितना खिलाओगे, बोले नहीं खाओ। मैंने कहा यार मोहब्बत की बात होती है। खातिर तो हमारी भी बहुत की है, सब कुछ देखो ठीक था, पर देखो हम उससे कोई ये तो है नहीं, खाना पकाने के लिए उसको अपनी बहू बना के ला रहे हैं। ये तो मैं जानता हूँ, आप हाँ ऐसे सोच भी नहीं सकते। ये मैं नहीं पूछ पाई कि वो क्या क्या बना लेती। मेरे को मालूम था सरस्वती जी आप नहीं पूछोगे ये। और देखिए ये एक अच्छी महिला की मतलब पहचान है कि आपको, मुझे मालूम है आप बहू इसलिए नहीं ला रहे कि वो खाने ही बनाए, लेकिन हाँ। ये है कि आपकी वो होगी तसल्ली कि भाई क्या क्या आता है उसको बनाना, ये पूछना हाँ। चाह रहे होगे ना, बनाए या ना बनाए किस्मत है, पर आना चाहिए, आना चाहिए। इसीलिए आप यकीन करना सरस्वती जी, मुझे मालूम था जब आप वहाँ से उठ के गए ना, मैं 2 घंटे बाद गया, मैं पूछ के आया हूँ यही सवाल। पूछा आपने? हाँ मैंने पूछ लिया, मैंने कहा उसकी माताजी से पूछा, मैंने कहा भाई क्या क्या बना लेती है। क्या बताया? मैंने यही पूछा, मैंने कहा भाई आपकी बेटी क्या बना लेती है, तो उन्होंने कहा कि अब जब से मैगी बंद हुई है अब क्या इसकी तारीफें करें। तो मैंने कहा फिर भी बताइए क्या बना लेती है, तो क्या उन्होंने कहा कि सेल्फी लेते वक्त 5 तरह के मुँह बना लेती है, ऐसे मुँह बना के दिखाया उसने, पहला तो ऐसे क्लिक, फिर ऐसे ये सेल्फी पाउड बना के क्लिक, तो 5 तरह के मुंह बता रही थी, 5 तरह के मुंह बना लेती है। माता जी सरस्वती जी वो मुंह बनाती हैं, मुर्गा बनाती हैं। और धन्यवाद माता जी। अच्छा धन्यवाद बेटा। हेलो हेलो जी, सर ये वर्कशॉप से बोल रहा हूँ सर, गाड़ी आपकी जो आप देखे गए हो कल। हाँ हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हाँ ये आपकी गाड़ी में ना असल में सर ऊपर ना हमारे वॉशिंग मशीन रखी भी होती है, जिससे गाड़ी धोते हैं ना, तो वो थोड़ा सा ऊपर हैंग करके रखते हैं, तो सर वो पूरी मशीन आपकी गाड़ी पे गिर गई। वो क्या चेन, पागल है क्या, कौन देगा इसके पैसे, मुझे फोन करके? नहीं तो मैं सर, आप मेरे से क्यों कह रहे हो, आप मेरे से क्यों कह रहे हो कि कौन देगा पैसे? तू स्पीकर फोन कर रहा है क्या, गाड़ी तेरे को भेजी है, तू बोल रहा है तू रिस्पॉन्सिबल नहीं है? नहीं तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अगर गाड़ी आपने दी है। बिल्कुल। और बच्चे का रिस्पॉन्सिबल कौन है, मतलब आप तो गाड़ी देके गए हो हमें, और आप खुद ये मान रहे हो कि अगर गाड़ी वर्कशॉप को दी है तो वर्कशॉप रिस्पॉन्सिबल है। लोग अपना पढ़ाने के लिए बच्चा दे जाते हैं आपके स्कूल में, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? सर पहली बात तो गाड़ी और बच्चे में फर्क मालूम है आपको, गाड़ी पे अगर कोई चीज गिर जाती है ना तो गाड़ी को तकलीफ नहीं होती है। सॉरी बट ऐसे समझाना बड़ा जरूरी था। मुझे बड़ी हैरत हुई इस बात पे कि आपका छोटा मोटा स्कूल है दिल्ली में, आप भी इस बात को सपोर्ट करते हैं कि अगर बच्चे को स्कूल के अंदर कोई आकर घुसकर मार देता है तो इसका रिस्पॉन्सिबल स्कूल नहीं है। मालूम नहीं आपके पता नहीं खुद के बच्चे हैं या नहीं है, कहीं आप अपने बच्चे देकर आइए पढ़ने के लिए, और खुदा न खास्ता उन बच्चों को हो जाए तो यही बात कहिएगा कि यार वो रिस्पॉन्सिबल थोड़ी थे, पढ़े लिखे इंसान। मैं आपको बता, मैं रेडियो बच्चे से नवेद बोल रहा हूँ, और आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप बच्चों को पढ़ाते हैं, एक स्कूल आप चला रहे हैं दिल्ली में, लेकिन आप ये सोचते हैं कि अगर स्कूल में बच्चों को कुछ खुदा न खास्ता हो जाता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल स्कूल नहीं होता। आपको कैसा लगा था जब आपकी गाड़ी के बारे में मैंने बताया कि गाड़ी में नुकसान हो गया, मुझ पे चिल्ला रहे हैं आपके आप रिस्पॉन्सिबल हैं? सर जरा इस बारे में सोचिए कि एक इंसान अपना बच्चा देकर घर चला गया वापस, इस उम्मीद पर कि आप उसके बच्चे को पढ़ाना लिखाना तो बहुत दूर की बात, उसे उसके जहन में ये आता है कि उस 4 दीवारी में बहुत महफूज है, लेकिन अगर आप ही ये कहते रहेंगे तो सर कौन पढ़ा देगा आपके स्कूल में या किसी भी स्कूल में? we'll think about it.